गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू PN अमासी ई लर्निंग क्लासेस। चैप्टर नंबर 11, चेंजिंग टाइम्स। टाइम्स चेंज एंड आवर व्यूज आर ऑल्सो चेंज विद देम। व्हाट वॉज डिफिकल्ट फॉर अस इन टफ टाइम्स बिकम्स ईजियर इन गुड टाइम्स। तो समय के हिसाब से हमारी सोच भी बदलती रहती है। जब समय कठिन होता है तो चीज़ें कठिन लगती हैं, और आसान समय में चीज़ें आसान लगने लगती हैं। इसी पर से हमें यह इस पार्ट में सीखने को मिलेगा। अ फार्मर एंड हिज 10 years ओल्ड सन लिव्ड इन अ विलेज ऑफ पंजाब। ड्यू टू ड्राफ्ट दैट ईयर दे हैड अ पुअर क्रॉप। द टाइम वॉज बैड एंड दे डिड नॉट हैव सफिशियंट फंड्स टू मीट देयर डेली नीड्स। One day they were going to the marketplace. On the way, the son saw a pony which he wanted his father to buy for him. The father stopped to ask the owner the price of his pony. तो एक किसान और उनका 10 साल का बेटा एक गांव में रहते थे। उस समय उस गांव में सूखा पड़ा था, जिसके कारण धान जो था वो खराब हो गया था, और समय खराब होने के कारण उनके पास पैसे नहीं थे, जिनके कारण वो अपनी ज़रूरतें पूरी नहीं कर पा रहे थे। द ओनर ऑफ द पोनी सेड दिस पोनी वुड कॉस्ट यू 200 rupees। द फार्मर हैड दैट मच मनी ऑन हिम, बट द टाइम्स वेयर हार्ड एंड ही नीडेड ऑल द स्पेयर कैश फॉर हिज नीड्स। तो जब किसान के बेटे को पोनी, जो एक घोड़े का बच्चा होता है, वह खरीदने की इच्छा हुई थी, जब उसने उस पोनी का भाव पूछा तो 200 रुपये बताया, और उस समय किसान के पास सिर्फ 200 रुपये ही थे, और उस 200 रुपये को वो उस कठिन समय के लिए अपने पास संभाल कर रखना चाहते थे। स्काईरॉकेटेड। नाउ आई कैन पार्ट विद दिस पोनी फॉर नथिंग लेस देन 500 rupees। On hearing this from his son, the farmer at once gave 500 rupees to his son to purchase the pony. But the boy seemed puzzled. He thought that when he was getting a pony for 200 rupees, his father did not allow, saying it was very expensive. And now he fished out 500 bucks easily for the same pony without hesitation. Seeing his son perturbed, the farmer asked him, "What is puzzling you? You should be happy now that you have got the pony you wanted." तो उस समय ओनर ने कहा था कि पिछले साल इसकी कीमत 200 रुपये थी, पर इस समय प्राइस जो है, भाव जो है, वो आसमान को छू रहे हैं। अब मैं इसकी कीमत 500 रुपये से कम नहीं ले सकता हूँ। यह बात जब बेटे ने अपने किसान को बताई, तब किसान ने तुरंत ही उसे 500 रुपये निकाल कर पोनी खरीदने के लिए दे दिए। द बॉय रिकॉल्ड द अर्लियर इंस्टेंस टू विच हिज फादर रिप्लाइड, "माय डियर सन, टाइम चेंज। 200 rupees वेर डियरर देन द 500 rupees ऑफ टुडे। तब बेटे को समझाते हुए किसान ने कहा कि बेटा, उस समय 200 रुपये ही बहुत प्यारे थे कठिन समय में, और आज हमारा समय अच्छा है, इसीलिए हम 500 रुपये भी खर्च कर सकते हैं। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स।